अब बारी थी मेरी और मंदीप की। मैंने वरुण को पिक किया था, मंदीप ने शेन को पिक किया था। मैंने बसीर को बोला कि बसीर अब सिर्फ दो कदम दूर है, अगर कर लेगा तो फाइनल खेल के जीत के घर चल जाएगा। कम ऑन मंदीप। बशीर इसके तोते तो उड़ा देने हैं मुझे, टास में उसके साले को उठा उठा के पटकूंगा। बशीर और मंदीप तैयार, अगर आपने 25 मिनट के अंदर ये टास्क पूरा किया, यू हैव अ गारंटीड स्पॉट इन द फाइनल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। As soon as we got inside the grid, I told to myself, ये एक्टिंग कर रहा है, मुझे किसी से डरना नहीं है, वैसे भी मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बशीर का सिर्फ एक्सप्रेशन। मंदीप, ज्यादा नहीं मार सकते तुम, अब लैडर हाथ में अटका नहीं सकते। मंदीप एंड बसीर, नो चोकिंग। रोप पर सबसे पहले जो फर्स्ट बार था उस पे जो भी फर्स्ट टू फीट टच करता है उसकी फाइट वहीं खत्म हो जाती है। मुझे बस अपने दोनों पैर उस बार पर रखने थे। बशीर हाँ क्या आता है, पहली सीढ़ी में दोनों पैर फंसा के ऊपर चढ़ जाता है। मैं शॉक्ड हो गया एकदम से। आराम से देख, एक क्वेश्चन आराम से देख, आराम से देख। अगर तेरा ये ठीक है तो यहाँ बोल दियो और बोलना शुरू करियो। Your 30 seconds start now. Start. Three digits numbers थे, दो numbers को add करना था, एक number को subtract करना था। चल बसीर, बसीर। 10 seconds. 20 seconds. मैंने मंदीप के लिए सैक्रिफाइस किया था तो मैं चाह रही थी कि मंदीप जीते। मैं तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कमजोर हूँ और जो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करनी होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए मुश्किल था डेफिनेटली, सभी को पता था क्योंकि उसमें दिमाग थोड़ा सा कम है। ना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था कि इसे जो प्लस माइनस एक नॉर्मल चीज होती है वो नहीं कर पा रहे थे हम। 30 seconds. आराम से, आराम से, आराम से। मंदीप चढ़ने मत दे, मेरी तरफ लेके आ। मंदीप ध्यान रख। कंपनी मंदीप चढ़ने मत दे। बहुत ज़्यादा ट्राइज हुए। मैं मंदीप, मैं मंदीप, मैं मंदीप। 10 seconds. हाँ दूसरा भी लेके जा अंदर से। बार बार कोशिशें चल रही थी, वो चढ़ रहा था, मैं चढ़ रहा था, उसको चांस मिला, मेरे को चांस मिला। काफी इक्वल थे चढ़ने में, जितनी बार मंदीप चढ़ा उतनी बार बसीर चढ़ा। मुझे नहीं पता वो ऊपर से क्या नंबर्स देख कर आए थे और उस मड में वो क्या लिख रहे थे। इट वाज सो मच फनी। ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोग जाम हो गया है या हमारे ब्रेन जाम हो चुके हैं। वाह बसीर हो गया, 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 बसीर हो गया। हम लोग ने परफॉर्म करते करते इतना टाइम लगा लिया, सनसेट हुआ और फिर लाइट्स लग गए थे। बसीर और मंदीप लाइट्स ऑन हो चुके हैं, आपके 13 मिनट और 11 सेकंड पूरे हो चुके हैं। एक टाइम ऐसा आया जब हम दोनों को पता हो गया था इक्वेशन का आंसर क्या है, अब बस
इंतजार ये था कि राउंड शुरू हो और सबसे पहले जो लैडर पे पैर रख देगा वो ऊपर जाएगा, लॉक खोल देगा एंड ही विल विन इट। लॉक खोलने की कोशिश की, मुझे कहीं ना कहीं था कि ये राउंड खत्म हो चुका है एंड आई लॉस्ट इट। ताला कई बार मैंने पुश किया, लॉक खुल नहीं रहा था, जैसे मैंने झटका मारा वो विसल बज गई एकदम। उसका लॉक नहीं खुला, वो डिसअपॉइंटमेंट में नीचे उतरा, नेक्स्ट राउंड शुरू हुआ। कम ऑन मंदी, सीढ़ी मत खींचो, चढ़ ऊपर। It's Basir, Baba. Yeah. मुझे पता नहीं वो लॉक कैसे खुल गया, मैंने नंबर्स उतने ठीक से नहीं देखे, इट वाज जस्ट रेडी फॉर मी। सॉरी, ओपन इवन बिफोर। कौन बजा? गाइस, इट वाज ऑलरेडी ओपन। मैंने सिर्फ लॉक निकाला, मैंने लॉक को बाहर फेंका एंड मैंने गोंग लेकर सीधा गोंग बजाया। माय वर्ल्ड हैड कम टू एन एंड। मंदीप वाज द बेटर परफॉर्मर, बसीर had luck on his side. मैंने इक्वेशन सही करी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। बशीर ने गया ऊपर, लोग कट किया, खोला, उस टाइम दिख गया मेरे को कि भाई तेरे सपने टूट चुके हैं। मैंने थाली सजाई और उसके हाथ में परोस दी। लॉक हो गया था, सब यूज कर खुला हुआ था मंदीप, उसके चढ़ने के पहले ही खुला हुआ था। जिसने गोला ताला फेंका और डोंग बजाया, तूने उसके लिए सब किया। 30 सेकंड्स के अंदर अगर तुम लॉक खोलोगे और हॉंग बजाओगे तो ये टास्क तुम्हारा है, वरना नहीं। अंदर से जो आग थी ना वो वहीं दबी रह गई, मैं जीत के एक स्टेप दूर रह गई।